मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट द फिश टेल मैथ, यानी एनसीईआरटी हम क्लास फिफ्थ का जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है द फिश टेल मीन्स मछली की कहानी। लास्ट टाइम जो आरबीसी पैटर्न था, बट इस टाइम आपके एनसीईआरटी पैटर्न कर दिया गया। तो जो एनसीईआरटी की बुक है वो बिल्कुल डिफरेंट है आरबीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंपेयर टू आरबीसी बिल्कुल ही डिफरेंट है। इस बुक में कैसा है कि आपको एक स्टोरी के साथ कुछ मैथ के पोर्शन दिए गए हैं, यानी आपको मतलब ये इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट लें पढ़ने में और फिर आगे जो भी इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन बनेंगे उसको सॉल्व करने में। थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका अलग है आरबीसी के कंपेयर में, बट जैसा भी है अच्छा है। तो देखिए, पहला चैप्टर है द फिश टेल यानी मछली की कहानी, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पोएम दे रखे, डीप अंडर द सी सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली, ठीक है, एक कहानी है फिश की, पोएम है। आगे बोलते हैं कि दिस स्पेशल पोएम इन थ्री लाइन्स इज कॉल्ड अ हेकू, कि जो स्पेशल पोएम है वो थ्री लाइन है जिसका नाम दिया गया है हेकू। सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान, ये जो पोएम है नेचर के नाम से के बारे में वो जापान में काफ़ी फेमस है। हेयर इज अनदर हेकू, यहाँ पर एक दूसरी पोएम है हेकू। द लेक काम स्मूथ स्टील अपिस जंप अप एंड रिटर्न्स रिपल सेक द लेक। अब देखिए, इसमें जो आपको स्टोरी के साथ ही क्वेश्चन ढूंढे गया, क्योंकि आपको स्टोरी दे रखी है, इस स्टोरी के साथ साथ जो भी इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन आ गया कि डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश, कि आप ऐसी कोई पोएम जानते हैं फिश के बारे में, तो अगर आप जानते हैं तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यस यस आई नो अबाउट अ पोएम ऑफ फिश, कि मैं एक पोएम जो फिश के बारे में उसके बारे में जानता हूँ या जानती हूँ। आगे है कि हेयर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रंस, यहाँ पर कुछ ड्राइंग दी गई है जो छोटे बच्चों के द्वारा बनाई गई है। व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप कम टू योर माइंड, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया, सेकेंड क्वेश्चन की When you think of fish, fishes, what shape come to your mind? कि जब आप फिश के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में किस टाइप की शेप आती है। तो देखिए, अगर मैं फिश बनाऊँ जैसे कि स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, एंड ये क्या हो गया आपका ट्रायंगल, दो शेप हो गई, एक तो हो गया स्क्वायर एंड दूसरी शेप हो गया आपके ट्रायंगल। जैसे आपसे पूछा था कि व्हेन यू थिंक ऑफ फिश इज व्हाट शेप कम टू योर माइंड, कि आप जब फिश के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर आपके दिमाग में कौन सी शेप आती है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि टू शेप। First is square and second is triangle. Square कैसा हुआ आपको पता ही होगा square के बारे में, आपने last class में पढ़ा होगा square. Square की property क्या होती है, इसकी square की चारों side क्या होती है equal होती है, यानी AB, BD, CD and AC ये चारों आपस में क्या होंगी equal होंगी, और each angle कितना होता है 90 degree, ठीक है, वो आगे इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी आप इतना जान लें कि जो स्क्वायर है ए बी सी एंड डी, इसमें सारी साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी चारों साइड आपस में क्या होती है इक्वल होती है। सेकेंड से मेरे माइंड में आई थी वो थी ट्राइंगल, यानी थ्री साइड से मिलकर बनने वाली शेप क्या कहलाती है आपकी ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन्स ट्राई मतलब थ्री, एंगल मीन्स एंगल, इसमें कितने एंगल होंगे आपके थ्री, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन के लिए होता है कि व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप कम टू योर माइंड, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि मेरे दिमाग में कौन सी शेप आती है, एक तो स्क्वायर एंड सेकंड इज ट्रायंगल। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, लुक
फॉर फिश डिजाइन अराउंड यू मॉन्क्लूवर इन पेंटिंग और बेड्स। आपके आसपास आपके घरों में भी कई पेंटिंग्स होंगी फिशेज की, या कुछ ऐसे क्लोज होते हैं जिन पर ड्राइंग बनी होती है फिशेज की, तो उनको आप देख सकते हैं और उसको देख कर ड्राइंग बना सकते हैं। मीम मींस अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश। कि मीम का जो मतलब होता है वो क्या होता है, फिश, एंड मीनाक्षी एक गर्ल है जिसकी आंखें, जिसकी आईज है वो बिल्कुल फिश की तरह दिखाई देती है। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज। अब एक क्वेश्चन और आ गया कि कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज। क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि आपका कोई फ्रेंड हो या दोस्त हो जिसकी आंखें बिल्कुल फिश की तरह दिखती हों। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आपको उस फ्रेंड का यहाँ पर नाम मेंशन करना है कि आई हैव अ फ्रेंड एंड हर नेम इज दीपांशु एंड अंजलि व्हाटएवर। जो भी आपका फ्रेंड होगा वो उसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये एक आपका थर्ड क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह से आप स्टोरी को आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे इसमें क्वेश्चन आते जाएंगे। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है तो इसको आपको उस हिसाब से करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ फेस विद फिश आइज। अब एक और क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ अ फेस विद फिश आइज। अब आपको कोई एक फेस बनाना है जिसकी आइज आपको फिश की तरह शो करनी है, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक में कोई भी एक फेस बना सकते हैं जिसमें आपको उसकी जो आईज है वो एकदम फिश की तरह दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। जो जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ आप उसको अंडरलाइन करते रहिएगा ताकि आपको याद रहेगा कि कौन सी बेस से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। तो अभी तक मैंने आपको चार क्वेश्चन बता दिए हैं। आगे फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज। अब फिशेज आपने देखी होंगी सबका साइज क्या होता है, अलग होता है, सेम तो नहीं होती सारी, तो सबका साइज क्या होता है, डिफरेंट। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। कि जो स्मॉलेस्ट फिश सबसे छोटी फिश होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। अब एक क्वेश्चन ये और आ गया कि हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। कि आप अपने इमेजिन में कितनी बड़ी फिश को सोच सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर देना है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनाता है कि स्मॉलेस्ट फिश वट इज़ द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फिश। तो आप उस कितनी लेंथ होगी उसकी, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका कि हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। कि आप कितनी बड़ी फिश को इमेजिन कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो नीचे क्वेश्चन आंसर आएगा बिल्कुल नीचे इसके, अभी हम नीचे जब नीचे जाएंगे इस पढ़ते हुए इसको, तो नीचे इसका आंसर हम लिखेंगे। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन ये है कि हमारा कि आप कितनी बड़ी एक फिश को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी इससे पहले क्वेश्चन था कि स्मॉलेस्ट फिश की लेंथ कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगे हाउ मेनी टाइम लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। सेकेंड क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन क्या आ गया, हाउ मेनी टाइम लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। कि जो आपने अपने माइंड में लॉन्गेस्ट फिश सोची है अब वो आपने कितनी सोची है वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। आपने 18 मीटर सोची है, 17 मीटर सोची है, वो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हाउ मेनी टाइम लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। कि जो आपकी आपने बड़ी फिश सोची है वो इस छोटी फिश से कितनी बड़ी है। लेट बी मैंने लॉन्गर फिश जो सोची है वो मैंने सोच ली 16 मीटर, ठीक है, और स्मॉलेस्ट फिश आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये इससे कितनी बड़ी है बट इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम किस पर निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे पहले सेंटीमीटर। तो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 16 मीटर में कितना हो जाएगा, 16 × 100 यानी 1600 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी लॉन्गर पीस अकॉर्डिंग टू मी, मैंने क्या सोचा है यहाँ पर 16 मीटर, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी पीस जो होगी वो 1600 सेंटीमीटर होगी एंड लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट पीस है वो कितनी, 1 सेंटीमीटर। एक इससे कितनी बड़ी हो जाएगी, आप इसमें क्या करेंगे, इसका माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। जो बड़ी फिश होती है वो होती है व्हेल शार्क। इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज अ बिग फिश। एक्चुअली में ये व्हेल नहीं होती है बट ये काफी साइज में बड़ी होती है अकॉर्डिंग कंपेयर टू अदर फिश। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। जो व्हेल्स होती है वो बाकी फिश से काफी डिफरेंट या अलग होती है। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू। जो व्हेल्स होती है वो जो सांस लेती है बिल्कुल ह्यूमंस यानी हमारी तरह ही लेती है। थ्रू देयर नोजेस। तो हम अपनी जो सांस लेते हैं किसके थ्रू लेते हैं, नोजेस के थ्रू। ये भी किसके थ्रू लेती है, नोजेस के थ्रू।
But fish have no nose and they take in water, not air. But fishes की क्या nose नहीं होती है, इसलिए किसमें रहती है, पानी में, हवा में ये नहीं रह सकती। अगर आप पानी से मछली को बाहर निकाल कर रखेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उस टाइम बाद वो मर सकती है। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, वेल्स क्या अंडे नहीं देती है, एग्स नहीं देती है, वो डायरेक्ट क्या बेबी को ही बॉर्न या जन्म देती है। बट फिश ले एग्स, बट जो छोटी फिश होती है वो क्या देती है, अंडे। ये डिफरेंट है छोटी फिश में और बड़ी फिश यानी वेल फिश में। द वेल शार्क इज लुक बिग एंड डेंजरस, वेल शार्क अगर आपने किसी पिक्चर में या फोटो में देखी हो जैसे इसमें दिखाया गया है तो ये काफ़ी डेंजरस होती है, दिखने में काफ़ी डेंजरस होती है और काफ़ी बड़ी भी लगती है। बट इट इज़ क्वाइट हार्मलेस, बट ये ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस, यानी ये इंसानों पर अटैक नहीं करती। वन वेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। देखिए अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि हाउ मेनी टाइम लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलर फिश, आपसे बोला गया था कि आप कितनी बड़ी फिश को एज्यूम कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि वन वेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर, कितनी लंबी हो सकती है, 18। आपको इस सेक्शन के लिए क्या बुक करना है, 18 मीटर, ये मैंने बता दिया था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंगली 18 मीटर, यानी 18 मीटर से अकॉर्डिंगली आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये इसका आंसर हो गया कि मैं जो फिश सबसे लंबी फिश या बड़ी फिश सोचता हूँ या थिंक करता हूँ कितनी होती है, 18 मीटर। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, ये कितनी बड़ी होगी अगर आप प्रैक्टिकली देखा जाए तो कितनी बड़ी होगी। तो वो इसमें बताया गया कि ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, कि आप अपने एज के या अपने हाइट के बच्चों को वन बाय वन ऊपर रखिए, यानी 12, ठीक है, वन बाय वन ऊपर रखेंगे तो वो 12 बच्चे जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उतनी लंबी ये फिश होती है। एंड गेस व्हाट इट वेट, और आपको गैस करना है कि इसका वेट कितना होगा। 12 ऑफ यू टुगेदर वेट, इट्स वेट अबाउट 16,000 kg। तो देखिए इसका जो वेट बताया गया वो लगभग बताया गया है 16,000 kg किलोग्राम। अब आगे देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए कि अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट, तो इसमें आपको अपना वेट लिखना है कि आपका वेट कितना है। अब वो वेट आपका कितना भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ही लिखेंगे कि हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट। तो इसमें आप सपोज जैसे आपने 25 लिख दिया या 30 लिख दिया, जैसा भी आपका वेट होगा वो आपको इसमें मेंशन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट kg। जैसे मैंने वन चिल्ड्रन का वेट एज्यूम किया है 25 kg, ठीक है, 25 में से क्या 30 में से। अब ऐसे ही मेरे पास कितने टोटल 12 चिल्ड्रन, बताया था ना कि 12 बच्चों का आप एक के बाद वन को वन बाई वन ऊपर खड़ा करेंगे, तो वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन कितना जाएगा, 1 चिल्ड्रन का 25 है तो 12 चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, 300 kg, यानी 12 बच्चों का वेट कितना हो जाएगा, 300 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जो 12 बच्चे हैं और एक वेल का वेट है, वेट ऑफ कितना दिया है आपको, 16,000 kg, ठीक है। अब मेरे 12 चिल्ड्रन का वेट कितना है, वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन का वेट हमने निकाला है, फाइंड किया कितना, 300 kg। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो वेल का वेट है यानी शार्क का वेट है वो 12 चिल्ड्रन के वेट से कितना ज़्यादा है, कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे हम 16,000 में से क्या माइनस कर देंगे, 300, ये आपका कितना बचाएगा, 15,000 kg, यानी जो एक बेल का वेट है वो 12 चिल्ड्रन के वेट से कितना ज़्यादा है,
15,700 kg। ठीक है, यहाँ पर तीन क्वेश्चन निकल गया है। पहला क्वेश्चन अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट, कि आपका वेट कितना है। अब यहाँ पर मैंने 25 से करके बताया है, बट आप अपनी बुक में अपने अकॉर्डिंग जो आपका वेट होगा वो लिखिएगा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन बताया था कि सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट, ऐसे ही हम 12 बच्चों को खड़ा करेंगे तो उनका वेट कितना होगा। तो एक बच्चे का 25 है तो 12 बच्चे का कितना हो गया, उसको मल्टीप्लाई करके निकाला 300। अगर आप पैटर्न लिखते हैं यहाँ पर तो उसका हो जाएगा 360, वो आप अपने अकॉर्डिंग पुट करेंगे। अब एक बेल का जो वेट बताया था वो बताया 16,000 kg। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अबाउट हाउ मच मोर डज द बेल शार्क वेट एट 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, कि एक शार्क का वेट जो 12 बच्चों का आपने वेट किया उससे कितना ज़्यादा। मेरा यहाँ पर वेट आया था कितना, 300, एंड बेल का वेट था 16,000 kg। तो मैंने उसका डिफरेंस निकाला कितना आया, 15,700 kg। तो ये जो वेट है वो इससे कितना ज़्यादा है, 15,700। तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, जो जो मैंने इसमें बताया था कि आप अंडरलाइन करके चलिएगा। तो आपको इस बुक में ऐसे ही पढ़ना है, आपको एक स्टोरी दी जाएगी, उसमें ही आपको क्वेश्चन फाइंड करने हैं और उसमें ही आपको आंसर मिलना है। थोड़ा सा आपका ऐसा कॉन्सेप्ट अलग लगेगा बट धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट जो अभी मैंने बताया है इसको आप अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।